दोस्तों आज मैं आपको पांच तरीके की होममेड नेचुरल क्लींजर बनाना बताऊंगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और ये आपके बहुत काम में आने वाली चीज है। हम मार्केट से जो क्लींजर लाते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा केमिकल भी मिला होता है, लेकिन जो क्लींजर मैं आपको बनाना बताऊंगी उससे आपके घर की चीजें तो चमक ही उठेंगी, साथ ही इसे घरेलू चीजों से आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं होममेड क्लींजर बनाने की कुछ टिप। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑल पर्पज क्लींजर। इस क्लींजर की सबसे खास बात यह है कि आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी। अब उसमें आपको डालना है 1/2 कप व्हाइट वेनेगर और इसमें डालेंगे कोई भी बर्तन साफ करने वाला डिशवॉशर जेल। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपका ऑल पर्पज होममेड क्लींजर तैयार है। अब आप इसे किसी भी बॉटल में डालकर रख लीजिए। आप इस क्लींजर से घर की किसी भी चीज की सफाई कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है ग्लास क्लींजर। यह क्लींजर स्पेशल ग्लास के लिए होता है, जैसे ग्लास की टेबल हो, खिड़की हो या शीशा हो। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा लगभग 1/2 कप वेनेगर। अब उसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसे आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर रख सकते हैं। तीसरा, इसमें हम बनाएंगे फ्लोर क्लींजर। इसका इस्तेमाल रोज पोछा लगाने में किया जाता है। इसे बनाने के लिए आप किसी भी बॉटल में 1 लीटर पानी ले लीजिए। अब उसमें आप डालिए 7 से 8 गोलियां कपूर की। कपूर की खुशबू से घर के सभी मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच नमक और इसमें डालेंगे 1/2 कप सिरका। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। अब ये आपका फ्लोर क्लींजर बिल्कुल तैयार है। आपको जब भी घर में पोछा लगाना हो तो आप पोछे के पानी में इसका 1 ढक्कन डालें। इससे घर में खुशबू भी बनी रहेगी और घर में मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे। चौथा, अब जानते हैं वुड क्लींजर कैसे बनाना है। सबके घर में फर्नीचर होता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसकी चमक कम पड़ने लगती है। आज मैं जो आपको क्लींजर बता रही हूँ इसके इस्तेमाल से आपका फर्नीचर फिर से चमचमा उठेगा। इसके लिए आपको 1/2 कप ऑलिव ऑयल और 1/4 कप व्हाइट वेनेगर लेना है। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक स्प्रे बॉटल में भर कर रख लेंगे। इसके इस्तेमाल से आप अपने घर का फर्नीचर महीने में 1 बार चमका सकते हैं। अब मैं जो 5वां नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्कॉचिंग क्लींजर, यानी जले हुए बर्तनों को साफ करने के लिए। इससे आप अपने जले हुए बर्तनों को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसमें हम डालेंगे कोई भी बर्तन साफ करने वाला जेल लगभग 1 चम्मच। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच व्हाइट वेनेगर। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक बॉक्स में स्टोर करके रख लेंगे। अब इसके इस्तेमाल से आप अपने बर्तनों को बिल्कुल नया जैसा चमका सकते हैं। तो दोस्तों ये है 5 क्लींजर जिन्हें आप बड़ी आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।